मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास एचपी का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है, मॉडल यदि हमें देखना है तो कहाँ पे देखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ये पीछे की तरफ लिखा रहता है, ये एचपी 240G7 लैपटॉप है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है आप देखोगे, इसको खोलने पैक करने में ये हमारा बाहर निकल जा रहा है, यानी हमारी बॉडी खराब हो रखी है इसकी। इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है ये हम आपको बताते हैं। जब ये बॉडी धीरे से टूटनी शुरू हो जाए या इसके नीचे वाला जो स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, वो लूज हो जाए, उसकी वजह से ही ये हमारी बॉडी टूटनी शुरू होती है। ये आप देखोगे ये स्क्रू बहुत लूज हो रखा है इसका। मैं यदि टाइट करके आपको दिखाऊं तो ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। ये देखो इसका स्क्रू लूज हो रखा है। अब ये क्या हो गया, जब स्क्रू लूज हो गया तो इसकी बॉडी लूज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ही हमारा खुलना पैक करना शुरू हो जाता है। अभी भी गैप है, गैप इसलिए है क्योंकि ये बॉडी टूट चुकी है। जहाँ पे बेस होता है, जहाँ पे ये हिंज टाइट होते हैं, वो बेस हमारा टूट चुका है। और ये हिंज किस वजह से टूटा है, ये कारण स्क्रू का रहा है जो हमने अभी आपको टाइट करके दिखाया है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। हम आगे दिखाते हैं इसकी बॉडी कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे अंदर से टूटती है। सबसे पहले हम लैपटॉप को बंद करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि भाई बॉडी कहाँ से। स्क्रू टाइट करने के बाद भी हमारा ये बॉडी खुल जा रहा है, कारण क्या है इसका, तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो ये स्क्रू होते हैं, ये बेस को और टच को पैक करते हैं। इसमें हिंच भी होता है, जब ये लूज हो जाते हैं इस वजह से भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है कि ये हिंच, ये स्क्रू लूज ना होने पाए। उससे पहले ही आप इसको कहीं किसी टेक्नीशियन को दिखा के ठीक करा लें। ये आप देखोगे ये स्क्रू का नक्का टूट गया, पूरा स्क्रू उस पे घूम रहा है। ये वाला भी हमारा नक्का टूट चुका है, जिस वजह से हमारा ये पूरा घूम जा रहा है। खोलने के बाद भी जब हम स्क्रू टाइट कर दे रहे हैं, उसके बाद भी ये हमारी, ये आप देखोगे ये पूरी बॉडी क्रैक हो चुकी है। ये प्लास्टिक टूट चुकी है, ये जो नक्के होते हैं वो टूट चुके हैं। ये आप देखोगे ये पूरा बाहर निकल चुका है। यही कारण है, कारण क्या हमने आपको बताया, कारण हमने स्टार्टिंग में ही बताया, जब हमारा ये वाला ही, जब ये वाला स्क्रू लूज हो जाता है यहाँ पे जो टाइट होता है, तभी हमारी ये बॉडी टूटनी शुरू हो जाती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।